What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 22 अप्रैल 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें इस समय दुनिया भर से आ रही है। पहला तो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइजेस अगर देखें तो अमेरिकी बाजार में जीरो हो चुकी है, जहां से दुनिया भर की ऑयल प्राइजेस को मेंटेन किया जाता है, जहां से दुनिया भर के क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो वहां से डिक्लेयर होता है, तो वहां पर जीरो हो चुका है ये क्रूड ऑयल का प्राइस। इसका असर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जो कि पूरा ऑयल के ऊपर निर्भर करता है उनके ऊपर जबरदस्त इसका इफेक्ट गिरेगा। उनका जीडीपी वहां से ट्रिमेंडस ये नीचे आ सकता है, और जो भी सिर्फ और सिर्फ ऑयल के ऊपर जिनका इनकम है उनको काफी दिक्कतें इस समय आ सकती है, क्योंकि जो अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट है उसके लिए, उनके कंट्री के लिए उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए काफ़ी सारा पैसा लगेगा। और अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक दो महीने अगर यहाँ से ज़ीरो प्राइस के रेंज में ही चलते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, इनकम उनका घट जाएगा, जीडीपी के ऊपर काफ़ी सारा असर यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये मिडिल ईस्ट के कंट्री जैसे कि सऊदी है, कुवैत है, कतार है, इनके ऊपर काफ़ी असर इसका देखने को मिल सकता है। और दूसरी अभी की ताज़ा खबर ये है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में स्टेक लिया है, तो आने वाले ई कॉमर्स बिजनेस में और रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। ये ज़बरदस्त न्यूज़ है क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है, तो अगर ई कॉमर्स बिजनेस कोई भी लिस्टेड होता है इंडियन मार्केट में ये फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। कोरोना वायरस के वजह से भी देख सकते हैं आप, ज़्यादा करके ऑनलाइन बिजनेस होने के लिए अभी यहाँ से गवर्नमेंट उस तरह के स्टेप्स उठाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो आने वाले समय में अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं मिलता और इसका टेंशन और बढ़ता है तो आने वाले बिजनेस ऑनलाइन हो सकता है ज़्यादा करके, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ई कॉमर्स के बिजनेस को रिलेटेड है। आने वाला फ्यूचर कैसा होगा ये यहाँ से एक हिंट हमें मिल सकता है। दूसरी खबर यह है कि कोरोना वायरस का टेंशन अभी काफ़ी लगातार बढ़ रहा है। दुनिया का जो डेथ रेशियो है वो 2 लाख के करीब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया में देखें तो अभी कुछ दिनों से एकदम गंदा पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप देखें इन नेताओं के बयान, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, शुरू में कहते हैं कि हमें यहाँ पर किसी भी तरह का पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, लेकिन जब उनका बयान ख़त्म होता है, स्पीच ख़त्म होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हिडन पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये काफ़ी टेंशन वाला मामला है, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट से एक दूसरे के साथ तो यहाँ से चीज़ें और भी मुश्किल हो सकती है। वो चाहे वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राजस्थान वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर पंजाब वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इंडिया की स्थिति भी काफ़ी टेंशन भरी हो सकती है। तो यहाँ पर फोकस रहिए, अभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP थ्रू लगातार हर एक महीने महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना अच्छे स्टॉक्स Nifty 50 के स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं। तो ये अभी तक का ग्लोबल सिनेरियो है। चलते हैं सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे और फिर निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स आज के लिए क्या होगा ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 21 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल जैसा हमने प्लान किया था, ब्रेकडाउन लेवल हमारा बन रहा था 9106 और सेकेंड टारगेट 9036 के पास बन रहा था। तो आप देख सकते हैं कल एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हुआ था, पैनिक था, ऑयल के प्राइजेस जीरो हो चुके थे, तो यहाँ से इंडियन मार्केट्स में भी हमें पैनिक देखने को मिला था। सेकेंड टारगेट के नीचे ही ओपन हुआ तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता। कल जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन लाइव मार्केट में अगर आप एनालिसिस करते तो ये जो दिन का लो बना दिया था इसने फर्स्ट हाफ एन आवर में, तो ये जब ब्रेक हुआ ये एक रेंज बन गया था, कुछ समय इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था, और जैसे इसको इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर लाइव मार्केट में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जो हमने प्री
मार्केट प्लान बना था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में भी सेकेंड डे कंटिन्यू प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। नासडैक करीब 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी लाल निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। बाकी के एशियाई बाजार भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखें तो इस समय एक हल्की सी रिकवरी दिखा रहा है। 57 पॉइंट का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अभी भी ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस के डिक्रीज होने के कारण थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। यह वीकली चार्ट जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम 23.6 को रेजिस्टेंस फेस किया था। इसको ब्रेक करने के बाद ये जो नेक्स्ट लेवल था 9390 एग्जैक्ट इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। और अभी यहाँ से एक थोड़ा करेक्शन दिखा रहा है। हो सकता है ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये लेवल 8672 यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करके, इस लेवल के आसपास सपोर्ट टेस्ट करके फिर बाउंस बैक दिखाए। क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर हायर बॉटम्स बनेंगे। मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, ये हमेशा अप एंड डाउन्स यानी हायर हाई हायर लोस ये पैटर्न बना के चलता है। तो नीचे आरएसआई में भी देखें, अगर आप आरएसआई में भी देखें तो अभी यहाँ पर भी हो सकता है कि ये इस तरह से ऐसे नीचे आके हायर बॉटम्स बने और फिर ऊपर जाए। तो ये करेक्शन आना भी लाजमी है। इतना रिकवरी फेज आने के बाद एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है। तो ये अगर 8672 के नीचे अगर चला जाता है तो यहाँ से और पैनिक बढ़ सकता है। ये लेवल काफी क्रूशल हो सकता है। अभी इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ और नीचे आ सकता है। तो फिलहाल वीकली चार्ट में ये सिनेरियो है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में 20 EMA को सपोर्ट का काम कर सकता है, ऐसा हम कल ऑब्जर्व कर रहे थे। 20 EMA के पास ही इसने क्लोज दिया, ऑलमोस्ट इसी के पास, और उसके नीचे 8672 का लेवल है जहाँ पर हमने देखा था पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया था। और यहाँ पर जब ये अपसाइड जा रहा था तभी यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। तो 8672 ये काफी क्रूशियल लेवल होगा। तो इसके नीचे चला जाता है तो ये पैनिक मूव यहाँ से और भी तेज हो सकता है टूवर्ड साउथ की तरफ। अदरवाइज ये करेक्शन आना तो लाजमी है। ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये फील हो सकता है, अगर ऊपर की तरफ ये कल का जो हाई है 9044 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये गैप जो क्रिएट हुआ है वो फील हो सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई कल का लो अगर ब्रेक करता है, यानी ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है 8912 इसी के पास ऑलमोस्ट आ रहा है, तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8861, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और हमारा सेकेंड टारगेट होगा 8824, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो ये जो कल का हाई है इसके पहले आप देख सकते हैं 100 EMA का मूविंग एवरेज आ रहा है, फिर 50 EMA का मूविंग एवरेज आ रहा है, काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है। और उसके बाद कल का हाई जहां पर ये आज का पिवट पॉइंट का R1 का लेवल आ रहा है 9047। तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है कम्प्लीटली तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 20 EMA का, ये जो पिंक लाइन है अभी 9079 के पास आ रहा है। तो ये हमारा क्विकली एक छोटा सा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट होगा 9113, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो।
अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। तो